हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वोलेटाइल ऑयल होता क्या है। वोलेटाइल ऑयल मेनली किसी भी स्पेसिफिक प्लांट पार्ट में जो भी उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी को हम लोग वोलेटाइल ऑयल कहते हैं, जो कि मतलब रूम टेम्परेचर पे ही इवोपरेट हो जाता है, उसको हम लोग वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा और हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए वोलेटाइल ऑयल को उसकी एक टाइम ड्यूरेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में, कि हमें किस स्टेज पे उसको एक्सट्रैक्ट निकाल लेना है। किसी का रूट में होता है, किसी के स्टेम में होता है, या किसी की लीफ से निकालते हैं, या किसी के जैसे क्लोव हो गया तो उसके फ्लावर बड से हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या होता है, 21 प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसमें हम लोग लिक्विड लेते हैं। लिक्विड का मतलब यहाँ पे मेनली सॉल्वेंट से है। हम लोग कोई भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं मेनली स्पेसिफिक जो हमारे वोलेटाइल सॉल होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वोलेटाइल ऑयल के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो सॉल्वेंट लेते हैं और वोलेटाइल ऑयल लेते हैं इन प्लांट मटेरियल, मतलब कि हमारे पास हमको क्या करना है, इसी प्लांट मटेरियल से ही वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लांट मटेरियल को लेंगे और उसको हम लोग सॉल्वेंट के साथ ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग उसको हीट दे के कन्वर्ट कर देंगे वेपर फॉर्म में, और वेपर फॉर्म को इसको फिर फर्दर हम लोग कंडेंस कर लेते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं कंडेंसर यूनिट्स को, और इसको कंडेंस करने के बाद हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में हमारा जो कन्वर्ट होता है, तो इसमें दोनों मिक्स होता है। मतलब सबसे पहले तो दोनों मिक्स ही होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने लिक्विड यूज़ किया, सॉल्वेंट यूज़ किया है। तो सॉल्वेंट के साथ जो हमारा वोलेटाइल ऑयल निकलता है, तो वो दोनों यहाँ पे लिक्विड में मिक्स हो जाता है। तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, इसमें सेपरेटर का यूज़ करके हम लोग वोलेटाइल ऑयल को डिफरेंट सेपरेट कर लेते हैं और हमारा सॉल्वेंट डिफरेंट सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है जिस पे जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इसी प्रिंसिपल पे मेनली बेस्ड होता है। तो सबसे पहले इसमें कितने टाइप से हम लोग मतलब पढ़ेंगे यहाँ पे, तो एक्सट्रैक्शन बाय डिस्टिलेशन मेथड। सबसे पहला हमारा एक्सट्रैक्शन बाय डिस्टिलेशन मेथड है। इसमें मेनली 3 मेथड्स आते हैं। एक आता है हमारा कि वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन बोलते हैं, बी हमारा हो गया स्टीम डिस्टिलेशन, सी होता है हमारा वाटर या स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम जैसे कि नाम से दिख रहा है कि वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन, इसमें हम लोग मेनली वाटर का यूज़ करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन में हम लोग मेनली स्टीम का यूज़ करते हैं। वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें हम लोग दोनों का यूज़ करते हैं, वाटर का भी यूज़ करते हैं और स्टीम का भी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये आपको मैं आगे बताऊँगी। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन। तो ये वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन हम लोग किस यूनिट्स के लिए करते हैं, किस टाइप के वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट के लिए करते हैं? तो सबसे पहले इसको हम लोग ड्राइड प्लांट मटेरियल्स के लिए करते हैं। बेसिकली ड्राइड प्लांट मटेरियल के लिए हमारा ये मतलब है कि जैसे हमारा रूट हो गया या स्टेम हो गया, अगर उस पार्ट्स में हमारा वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट हमको करना है, तो वो हमारा किस फॉर्म में होगा, जो भी हम क्रूड ड्रग ले रहे हैं या स्पेसिफिक प्लांट पार्ट ले रहे हैं, वो हमारा ड्राइड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ड्राइड प्लांट मटेरियल हो गया, इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट नॉट डिग्रेड बाय बॉइलिंग। और इसका एक मतलब ये है, इसमें हमारा ये पॉइंट कंसिडरेबल है यहाँ पे कि जो भी हमारा मतलब प्लांट पार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें जो वोलेटाइल ऑयल है हमने उसको बॉयल किया वाटर के साथ तो वो इवोपरेट हो गया। इवोपरेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो हीट के साथ डिग्रेड नहीं होना चाहिए। जो भी उसका केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट है या एक्टिव कंपोजिशन है जो उस वोलेटाइल ऑयल का, वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट या केमिकल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंस्टिट्यूएंट डू नॉट डिग्रेड बाय बॉइलिंग। हमारा बॉइलिंग, क्योंकि हम यहाँ पे बॉइलिंग ही करने वाले हैं आगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉइलिंग करने पे हमारा जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे स्टेप्स देखेंगे कि हम कौन कौन से स्टेप्स से इसको फर्दर कंसिडर करेंगे।
ठीक है, तो मटेरियल को क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे वाटर की, ठीक है, इन अ क्लोज वेसल। तो इसमें हम लोग मटेरियल को लेंगे, बॉईल कर लेंगे वाटर के साथ क्लोज वेसल में। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी वाटर को मतलब बॉईल करेंगे तो वो वेपर में कंडेंस हो जाएगा। तो वेपर में कंडेंस होने के बाद तो हम वहाँ पे कंडेंसर यूनिट का यूज़ करके उसके बाद हम लोग तो अलग अलग सेपरेट आउट कर लेंगे। तो वॉलेटाइल ऑयल हमारा जो है उसको सेपरेट कर लेंगे। तो इस प्रिंसिपल का हम यहाँ पर यूज़ करते, हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले कि हमारा तीन चैम्बर में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा बॉइलिंग चैम्बर हो गया, ये हमारा कंडेंसर हो गया, और ये हमारा सेपरेटर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, बॉइलिंग चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ड्रग को ऐड कर देते हैं। ये हमारा क्रूड ड्रग हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर हम लोग कॉन्टिन्यूस हीट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाता है, राइज करता है, तो वो एक्टिव इसकी क्या करते हैं, देखो बॉइलिंग करने से हमारा ये होता है कि जैसे भी हमारा जो भी क्रूड ड्रग होगा, जिस पार्ट से भी हम एक्सट्रैक्ट आउट करना चाह रहे हैं वोलेटाइल ऑयल, तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो सेल वॉल होगा या तो कुछ भी स्ट्रक्चर होगा बाहर का, सेल मेम्ब्रेन होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। डिग्रेड होने के बाद जो भी जिस भी पोर्शन में हमारा वोलेटाइल ऑयल होगा वहाँ से वो लीच आउट करके हमारा वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन होके हमारा इवॉपरेट होने लगेगा। तो यही करते हैं इसमें कि जब हम लोग लेते हैं क्रूड ड्रग को, हमने ले लिया है, वाटर हमने ऐड कर दिया है, हीट हम कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, क्रूड ड्रग से हमारा जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो हाई टेम्परेचर पाके क्या करता है, वाटर के वेपर्स के साथ कंबाइंड होके चला जाता है हमारा फर्दर आगे। तो यहाँ पे हम लोग मतलब एक पूरा यूनिट का फॉर्म करते हैं वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। तो ये हमारे इस पाइप के थ्रू जाता है, ये हमारे इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा वाटर वेपर्स होंगी जो यहाँ से निकलेंगी, और इसमें वोलेटाइल ऑयल होगा जो वेपर के फॉर्म में होगा, क्योंकि अभी वो वाटर वेपर के साथ कंबाइंड है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वाटर वेपर होगा और वोलेटाइल ऑयल होगा, ये आएगा कंडेंसर यूनिट में। अब कंडेंसर यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर यूनिट में हम लोग मेनली इसमें दो ओपनेबल पॉइंट्स होते हैं। एक होता है कोल्ड वाटर इन करने के लिए, कोल्ड वाटर इन करने के लिए हॉट वाटर इन करने के लिए। अब जो ये हमारी स्टीम आ रही है बॉयलर से, यहाँ पे हमारा बॉइलिंग चैम्बर से जो हमारी स्टीम आ रही है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस में है और हम इसमें नॉर्मल वाटर डाल रहे हैं, मान लीजिए 25 या 20 डिग्री सेल्सियस का है वाटर का टेम्परेचर, तो इसकी कंपैरिजन क्या हो जाएगा, हमारा जो वाटर का टेम्परेचर है वो कम है, तो यहाँ पे हमारा पूरा एरिया कोल्ड रहता है, कोल्ड है, और ये हॉट है, पूरा स्टीम आ रही है, और यहाँ से हमारा जो हॉट वाटर इसकी स्टीम की वजह से कन्वर्ट होगा उसको आउटलेट कर देंगे। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये हमारा कंडेंसर यूनिट में मेनली होता क्या है, इस जो वेपर है इस वेपर को हम लोग कंडेंस करके वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करने, या तो वाटर फॉर्म में करने का मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा देख लीजिए, वाटर प्लस वोलेटाइल ऑयल, अभी भी हमारा वोलेटाइल ऑयल सेपरेट आउट नहीं हुआ है वाटर के साथ, बस डिफरेंस ये आया है कंडेंसर यूनिट यूज़ करने के बाद कि जो हमारा वाटर वेपर और वोलेटाइल ऑयल स्टीम के फॉर्म में था वो कंडेंसर यूनिट को यूज़ करने के बाद हमारा वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेटर यूनिट का यूज़ करेंगे। अब सेपरेटर यूनिट में क्या होता है, मेनली हम यहाँ पे हम कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे ये फिलअप होता चला जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है ये चैम्बर, तो उसमें क्या होता है कि डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से मेनली मतलब ऑलमोस्ट सारे वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, और डेंसिटी भी वाटर से कम होती है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, और ये हमारा जो है वाटर है, हाइड्रोसॉल हो गया, ये हमारा वोलेटाइल ऑयल हो गया, ठीक है, ये हमारा सेपरेटर यूनिट हो गया। सेपरेटर यूनिट में क्या होता है, फिर इसको जब पूरा हम लोग पूरा प्रोसेस यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे ओपन कर देते हैं, तो हमारा जो वाटर होता है वो निकल जाता है, सारा निकल जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट चैम्बर होता है तो हमें दिखता है कि हाँ इस लेवल तक ये पहुंच गया है, अब हमें निकाल लेना चाहिए या कुछ भी,
तो इसके बाद फिर वाटर हमारा बाहर निकल जाता है, फिर वॉलेटाइल ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। और ये हाइड्रोसॉल जो होता है इसमें भी, क्योंकि हम लोगों ने इसी हाइड्रोसॉल या कह लीजिए इसी वाटर स्टीम यूनिट का यूज़ करके हमने वॉलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट किया है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए वॉलेटाइल ऑयल हमारा मेन एम हमारा एक्सट्रैक्ट आउट करने का है वॉलेटाइल ऑयल, लेकिन उसमें और भी कुछ कंस्टिट्यूएंट होंगे प्लांट पार्ट में, जो वॉलेटाइल ऑयल तो नहीं होगा लेकिन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कुछ ना कुछ होंगे उसमें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसीलिए हम लोग जो ये हाइड्रोसॉल हमें फाउंड होता है लास्ट में, इसे हम लोग थ्रोन आउट नहीं करते हैं, इसको हम लोग फर्दर इंडस्ट्रियल यूज में यूज़ करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम लोग बॉइलिंग चैम्बर लेते हैं, बॉइलिंग चैम्बर में हम लोग प्लांट ड्रग लेते हैं, वाटर लेते हैं, इसको कॉन्टिन्यूस हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा वाटर वेपर के साथ हमारा वॉलेटाइल ऑयल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो जाता है पाइप में, फिर वहाँ पे वाटर वेपर प्लस वॉलेटाइल ऑयल होता है, फिर हम लोग उसको फर्दर कंडेंसर यूनिट में भेजते हैं। कंडेंसर यूनिट में दो ओपनेबल पॉइंट्स होते हैं, कोल्ड वाटर इन करने के लिए और हॉट वाटर आउट करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टीम होता है टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वो हमारा स्टीम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो अब आ जाता है हमारा सेपरेटर यूनिट में, जो कि वहाँ पे मिक्सेबल फॉर्म में वो फिलअप होता जाता है। जब अमाउंट थोड़ा राइज करता है तो उसमें क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि वॉलेटाइल ऑयल लाइटर होता है तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है और हमारा हाइड्रोसॉल या वाटर जो होता है वो नीचे आके कलेक्ट हो जाता है। तो एक लेवल पहुँचने के बाद, एक लेवल राइज करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से ओपन कर देते हैं ना, इसको हम लोग वाटर को अलग कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्रांसपेरेंट चैम्बर है तो हमें दिखता होता है, उसके बाद फिर हम लोग वॉलेटाइल ऑयल को अलग से सेपरेट कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारा मतलब पूरा ये सेटअप होता है हमारा किस चीज़ के लिए, वाटर या हाइड्रो डिस्टिलेशन करने के लिए। ये हमारा पार्ट ए हो गया है, अब हम पार्ट बी को देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेकंड पार्ट में डायरेक्ट या स्टीम डिस्टिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इसमें एक्सट्रैक्शन करेंगे स्टीम का यूज़ करके। हमने फर्स्ट मेथड में यूज़ किया था वाटर का यूज़ किया था, हाइड्रो डिस्टिलेशन किया था, इसमें हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे। अब स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं, तो डायरेक्टली पास करते हैं ड्रग मटेरियल, मतलब इसमें तो ये तो मेथड हो गया कि हाँ हम लोग डायरेक्टली पास करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन में डायरेक्ट जो हमारा ड्रग मटेरियल होगा, ये फ्रेश प्लांट पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये पूछा जाता है कि मतलब डिफरेंस क्या है, हम लोग अलग अलग यूनिट अलग अलग पूरा सेटअप क्यों यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन, तो ये अलग अलग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट होते हैं। तो जो हमारे प्लांट पार्ट जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाता है टेम्परेचर राइज होने पे, तो उसका हम लोग अलग से स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश प्लांट पार्ट लेते हैं। फ्रेश प्लांट पार्ट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग से चैम्बर में यूज़ को रख के उसका पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। इसका एग्जांपल हमारा पिपरमेंट ऑयल हो गया या यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसका एग्जांपल था टर्पिंटाइन ऑयल। टर्पिंटाइन ऑयल मेनली पाइनस की स्पीसीज़ से एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं, और ये हमारा पिपरमेंट ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया। यूकेलिप्टस ऑयल को हिंदी में नीलगिरी का तेल भी कहते हैं। अब हम इसके सेकेंड पार्ट, ये हमारा पूरा सेटअप होता है डायरेक्ट या स्टीम डिस्टिलेशन को प्रोसेस के लिए। अब इसमें इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हम लोगों ने डायरेक्ट हीट प्रोवाइड किया था अपने बॉयलर चैम्बर में ड्रग के साथ। हम लोगों ने इसमें क्या किया था, ड्रग को भी ऐड कर दिया था, वाटर को भी ऐड कर दिया था, एक साथ कर दिया था। इसमें हम लोग ऐसा नहीं करते, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम लोग वाटर को सेपरेट रखते हैं। वाटर को इसमें सेपरेट रखने के बाद इसको हीट करते हैं, इसको हीट सोर्स के थ्रू हम लोग इसको कॉन्टिन्यूस हीट प्रोवाइड करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस हीट प्रोवाइड करने से जाहिर सी बात है कि हमारा जो भी वाटर वेपर मतलब वाटर होगा वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने
होने के बाद ये हमारे जो ट्यूब है इसमें हमारी स्टीम जा रही है, हॉट स्टीम जा रही है इसमें हमारी। ये हॉट स्टीम हमारे जाने के बाद इस चैम्बर में आती है। इस चैम्बर में क्या होता है, इस ये नॉर्मल चैम्बर नहीं होता, ये हमारा परफोरेटेड, मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा इसका बॉटम होता है उसमें परफोरेशंस होती है। परफोरेशन का मतलब होता है कि पोर्स होते हैं, ठीक है, परफोरेटेड रहते हैं, इसमें प्लीट्स लगी होती हैं परफोरेटेड, तो उसके थ्रू ये मतलब छन छन के ऊपर ज़्यादा रहता है कि हमारा स्टीम। तो ये हमारा यहाँ से हमने हीट सोर्स दिया, वाटर हमारे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हीट हम स्टीम हमारी यहाँ से आ रही है, इस चैम्बर में जा रही है, और इसमें हम लोग प्लांट मटेरियल रखते हैं, इसमें हम लोग ऐड नहीं करते हैं, इसमें वाटर देखिए कहीं नहीं ऐड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा प्लांट मटेरियल है, फ्रेश प्लांट मटेरियल है। हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेश प्लांट मटेरियल लिया है। तो डायरेक्ट या स्टीम डिस्टिलेशन में, डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन में हम लोगों ने फ्रेश मटेरियल ले लिया है, फ्रेश प्लांट मटेरियल ले लिया है। अब यहाँ से स्टीम जो होगी, स्टीम डायरेक्ट ये इस परफोरेशन को क्रॉस करके हमारे जो ये प्लांट होगा, ये प्लांट पार्ट होगा, इसमें जाएगी। अब स्टीम जो होगी, ज़्यादा जाहिर से बात है कि वाटर वेपर से ज़्यादा पोटेंट होती है स्टीम। तो ये जो भी हमारा प्लांट पार्ट होगा, इसकी जो भी मतलब आउटर वॉल्स होंगी उसको ब्रेक करेगा, और स्टीम जो होता है इसमें मतलब पेनिट्रेशन पावर वाटर बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। तो स्टीम हमारी क्या करेगी, ये इसको पहले तो इसकी वॉल को ब्रेकआउट करके फिर स्टीम पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करने के बाद जो भी हमारा प्लांट पार्ट में ऑयल ग्लैंड्स होगा, वहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा उस पहुँचने के बाद वोलेटाइल ऑयल, क्योंकि अब देखिए हमारा ऑयल ग्लैंड ब्रेक हो गया है, ऑयल ग्लैंड ब्रेक होने के बाद जब स्टीम वहाँ पे फर्दर पहुँचेगी तो क्या होगा, इतना हाई टेम्परेचर पानी होने की वजह से यहाँ पे हमारा वोलेटाइल ऑयल भी वेपर के साथ कंबाइंड होके, क्योंकि स्टीम है यहाँ पे, कंबाइंड होके ऊपर चले जाएगी। तो इसमें हमारा वोलेटाइल ऑयल होगा और स्टीम होगी, वोलेटाइल ऑयल होगा स्टीम होगी। अब ये वोलेटाइल ऑयल स्टीम फर्दर हमारा पाइप के थ्रू यहाँ पे कंडेंसर यूनिट में आएगा। अब कंडेंसर यूनिट में यही होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर इन होता है, हॉट वाटर आउट होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, मान लीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 25 है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से कंडेंसर यूनिट भी यहाँ तक ये पूरा सर्किल कंप्लीट होते होते हमारा जो स्टीम होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारा लिक्विड सोल्यूशन जो है ये यहाँ पे हमारा जाएगा कहाँ पे, सेपरेटर यूनिट पे जाएगा। कंडेंसर यूनिट को क्रॉस करने के बाद वो सेपरेटर यूनिट पे आएगा। सेपरेटर यूनिट में हमारा क्या होगा, डेंसिटी का डिफरेंस होने की वजह से ये एक्स्ट्रा मतलब कि एकोमिलेट होता जाएगा। फिर उसके बाद फिलअप होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर में या तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में इसको हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे। ये हमारा पूरा सेटअप होता है स्टीम डिस्टिलेशन का, डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टीम का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोगों ने कहीं बॉइलिंग वाटर का यूज़ नहीं किया है। हालांकि ये अलग बात है कि हम लोगों ने वाटर लेके ही उसको स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वाटर लेके हमको डायरेक्ट हीट देके उसको स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन हमने वाटर के कॉन्टैक्ट में ड्रग को नहीं रखा है। इसमें हम लोगों ने फ्रेश ड्रग का एक्सट्रैक्शन किया है, वोलेटाइल ऑयल का। ये हमारा पूरा सेटअप होता है ये डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन का। बस इसमें हमारा जो वाटर डिस्टिलेशन है या हाइड्रो डिस्टिलेशन है, इन दोनों में मेनली यही डिफरेंस है कि इसमें हम लोग बॉइलिंग वाटर का यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग स्टीम का यूज़ करते हैं। स्टीम का यूज़ हम लोग वाटर को स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको परफोरेटेड यूनिट्स में, वो क्या कहते हैं, परफोरेशन यहाँ होती है, उसको स्टीम को मतलब भेजते हैं, स्टीम पास होती है जब क्रूड रक को होते हुए या प्लांट मटेरियल से होते हुए, तो वो अपने साथ ले लेती है इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, वोलेटाइल ऑयल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर यहाँ पे कंडेंसर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके दोनों सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हम लोग, अब हम इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका एग्जाम्पल पिपरमेंट ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, पहले हम लोगों ने पढ़ा वाटर डिस्टिलेशन, फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन, अब हम लोग वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं, हम लोग दोनों का यूज़ करते हैं। इसमें हम जो प्रोसेस पहले पढ़ चुके हैं, इसमें दोनों का एक साथ यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग वाटर का यूज़ करते थे ड्राइड प्लांट मटेरियल के लिए, स्टीम का यूज़ करते थे फ्रेश प्लांट मटेरियल के लिए। अब जब दोनों ही प्रोसेस इसमें हो
रही हैं एक साथ, तो इसमें हम लोग दोनों यूज़ करते हैं, फ्रेश भी यूज़ करते हैं और ड्राइड प्लांट मटेरियल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसमें क्या होता है, विच अंडर को डिग्रेडेशन बाय डायरेक्ट हीट और स्टीम। अच्छा, हम लोग इसका यूज़ ही क्यों करते हैं जब पहले ही हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं? तो सिर्फ मैंने पहले भी बताया कि ये हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब सेंसिटिव चीज़ है। अगर हम उसको ज़्यादा हीट दे देंगे तो फिर उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो होगा या केमिकल कॉम्पोजिशन होगा जो हमें चाहिए होगा वो मतलब सही नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन होके कुछ और ही फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग उसका जो भी मोटो होगा, हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उतनी अच्छी नहीं होंगी अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इतना सारा प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग वाटर या स्टीम डिस्टिलेशन में विच अंडर को डिग्रेडेशन बाई डायरेक्ट हीट और स्टीम। अगर हम लोग कुछ ऐसे भी मतलब प्लांट पार्ट्स होते हैं जो हम लोग जिसको डायरेक्ट हीट दे देंगे मतलब कि बॉइलिंग कर देंगे तो भी उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाएगा, या हम उसको स्टीम के थ्रू पास करा के उसका एक्सट्रैक्शन आउट करने की कोशिश करते हैं तो भी उसका मतलब डिग्रेडेशन हो जाता है। तो जब दोनों हमारा नहीं हो पाता है सेपरेट आउट, तो हम लोग उसका एक साथ यूज़ करके एक बार मतलब एक ये होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं ये सब, तो यूज़ करते हैं। अगर वो सक्सेस आउट हो जाता है तो फिर हम लोग उसको वैसे ही निकालते हैं, क्योंकि हमारा मेनली मोटो ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, अगर हम किसी क्रूड ड्रग को परचेज़ कर रहे हैं उससे वोलेटाइल ऑयल निकालना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी में गिरावट आ गई। अगर हम लॉस में चले जाएंगे तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं तो इंडस्ट्रियल लॉस हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी तो नहीं बता रही हूँ आपको, लेकिन मेरा मानना है कि मतलब डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आप बहुत सारा पढ़ के बैठ रहे हो तो आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप एक 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 स्टेप वाइज अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल, हमारा जो मटेरियल होगा उसको ग्राउंड कर देते हैं और डिप्ट कर देते हैं, उसको मतलब उसको क्रश कर देते हैं, उसको हम मैसिरेट कर देते हैं। तो मैसिरेट कर देते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं, मतलब कि मान लीजिए हमारा कोई प्लांट ड्रग मटेरियल हो गया या प्लांट पार्ट हो गया, उसको ग्राउंडेड करने के बाद हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं वाटर में। अब जाहिर सी बात है, किसी को अब ग्राउंड करने के बाद उसको मिक्स कर दोगे वाटर में तो उसकी हार्डनेस जो होगी वो कम हो जाएगी, वो मैसिरेटेड मिक्सचर हो जाएगा। फिर उससे हम लोग स्टीम को पास करेंगे, स्टीम पास करेंगे, फिर वो वोलेटाइल ऑयल वाटर वेपर्स में कंडेंसर यूनिट का यूज़ करके हम लोग अलग अलग कर लेंगे, फिर वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट आउट कर लेंगे। मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली की बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, देखिए वाटर डिस्टिलेशन में हम लोगों ने बॉइलिंग वाटर का यूज़ किया था, स्टीम डिस्टिलेशन में हम लोगों ने स्टीम का डायरेक्ट यूज़ किया था पास करके। लेकिन हमारा जो वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन होता है ये थोड़ा सेंसिटिव होता है। इस प्रोसेस में जब हम फायर देते हैं इस पर चैम्बर में, तो ये हमारा वाटर जो है, ये हमारा वाटर हीट होके यहाँ पे विपर्स के फॉर्म में जाता है। लेकिन इस पर डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो अपना मटेरियल पुटअप किया है, इसमें सिर्फ क्रूड ड्रग नहीं है हमारा, इसमें क्रूड ड्रग के साथ वाटर मैसिरेटेड फॉर्म में है, मतलब हम लोगों ने इसका मैसिरेशन बना के तब हम लोगों ने इसे फिलअप किया हुआ है। तो इसमें हमारा बेस क्लॉक है जो थ्रू आउट द प्रोसेस हमारा वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। इसमें परफोरेटेड ग्रिड्स होती हैं, मतलब इसमें ग्रिड्स होती हैं फाइन, बहुत फाइन ग्रिड्स होती हैं, उससे हमारी जो भी हमारा फायर की वजह से वाटर जो होता है हमारा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो ग्रिड को पास करके स्लोली, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आप कि यहाँ पे अगर ड्राई मटेरियल हम लोग रखते हैं तो ये मूवमेंट की प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मिक्सचर रख दिया है मैसिरेट करके, प्लांट रख का और वाटर का दोनों का मिक्सचर रख दिया है मैसिरेट करके। तो यहाँ पे हमारा जो परफोरेटेड जो हमारी ग्रिड्स होंगी, यहाँ से वाटर वेपर का मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू वाटर डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर थ्रू आउट द प्रोसेस ये टेम्परेचर राइज करते रहते हैं, वाटर का मेंटेनेंस करते रहते हैं। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर नहीं मेंटेन करेंगे, फायर कॉन्टिन्यूसली देते रहेंगे तो वाटर का लेवल जो हमारा इस लेवल से हमारा नीचे आ जाएगा। इस लेवल से नीचे आने के बाद फिर क्या होगा, जो इसका वेपर फॉर्मेशन है उसमें डिग्रेडेशन हो जाएगा, क्योंकि वेपर्स उतनी नहीं अच्छे से फॉर्म हो पाएगी। तो इसलिए हमें थ्रू आउट द प्रोसेस
वेपर को मेंटेन, वाटर लेवल को मेंटेन करना है, इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि उनको वेपर्स को मेंटेन आउट करके रखना है, ठीक है। तो हमारे इसमें प्लांट मटेरियल प्लस वाटर है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट मटेरियल प्लस वाटर है। तो इसको हीट करेंगे तो फिर यही होगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर इसका ब्रेक डाउन होगा, फिर ये वाटर वेपर्स पेनिट्रेट करके इसका वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट आउट करके वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये हमारा पाइप जो होगा यहाँ पे स्टीम होगा और हमारा वोलेटाइल ऑयल वेपर होगा, स्टीम होगा वोलेटाइल ऑयल वेपर होगा, फिर उसको कंडेंसर यूनिट में हम लोग यूज़ करेंगे। सॉरी हाँ, तो उसका कंडेंसर यूनिट हम लोग उसका यूज़ करके, जिसमें कोल्ड वाटर इनलेट होता है, हॉट वाटर आउटलेट होता है, स्टीम को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाटर प्लस वोलेटाइल ऑयल, लेकिन ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होगा। फिर हम लोग यहाँ पे सेपरेटर यूनिट का यूज़ करेंगे, दोनों को सेपरेट आउट हो जाएगा, डेंसिटीज़ की वजह से सेपरेट आउट हो जाता है, सेपरेट आउट होने की वजह पर यहाँ पर भी हम लोग हाँ कंडेंसेट कर लेते हैं, और हाइड्रोसॉल हमारा जो ये हाइड्रोसॉल है इसको अलग कर लेते हैं, वोलेटाइल ऑयल हमारा अलग हो जाता है। इसका एग्जांपल है क्लोव ऑयल और सिनेमन ऑयल। सिनेमन ऑयल को दालचीनी का तेल कहते हैं, क्लोव ऑयल जो हमारा लौंग का तेल होता है, ये हमारा एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये हमारा एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे हमारा क्लोव ऑयल जो होता है ये वाटर से ज़्यादा डेंसर होता है, ये मोर डेंसर होता है एज़ कंपेरिजन टू वाटर, ये वाटर से ज़्यादा होती है इसकी डेंसिटी। तो इसके केस में सिर्फ मुझे लगता है क्लोव ऑयल की केस में ये जो हमारा प्रोसेस है ये डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हमारा वोलेटाइल ऑयल नीचे होता है और वाटर हमारा हाइड्रोसॉल जो होता है ऊपर होता है। जाहिर सी बात है जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से तो ये जाहिर सी बात है नीचे ही जाके कलेक्ट हो जाएगा हमारा सेपरेटर यूनिट में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑलमोस्ट ऑल जितने भी वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से, लेकिन क्लोव ऑयल एक ऐसा है जो कि डेंसर होता है वाटर से, ठीक है। अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने इसका पढ़ लिया है बाय डिस्टिलेशन मीटर, डिस्टिलेशन मीटर में हमारा वाटर डिस्टिलेशन या हाइड्रो डिस्टिलेशन था, सेकंड हमारा है स्टीम डिस्टिलेशन था, थर्ड मैंने अभी बताया आप लोग को वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्शन बाय इन्फ्लुएंज मेथड, ठीक है।